गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द प्रोटॉन इंस्टीट्यूट। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो थे उसके पहले फर्स्ट क्लास लेक्चर फर्स्ट में तो हमने उनके नेमिंग की डिस्कस की थी, और लेक्चर सेकंड में हमने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी हमने हेलो एल्केन्स के फॉर्मेशन की। और उस फॉर्मेशन में हमने सिर्फ एक ही प्रिपरेशन डिस्कस कर पाए थे फ्रॉम एल्केन, जिसमें हमने एल्केन का हेलोजिनेशन किया था। आई थिंक आपको लर्न होगा क्या किया था हमने उसमें, CH4 प्लस मैंने बोला था Cl2, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही थी। और आपको पता होगा ये H हटा था और H डॉट जो था बेटा वो Cl डॉट से रिप्लेस हो गया था, एंड वी विल गेट CH3Cl एंड SU। और आपको पता भी हमने इसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक स्ट्रांग फ्री रेडिकल ने एक वीक फ्री रेडिकल को क्या कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिया। इट इज़ अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हमने क्लोरीनेशन को डिस्कस किया है, जो क्लोरीनेशन है ये या फिर जो हैलोजिनेशन है, इट इज़ नॉट गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इन लेबोरेटरी, बिकॉज जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा था तो हमें पता था वेरियस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, या बहुत सारे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज थी, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं और उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। इट इज़ अ डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट बहुत ही, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ नॉट गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरो एल्केन। लेबोरेटरी में अच्छा मैथड नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। और आप अगर Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, आपको टेट्रा हेलोजिनेटेड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और वैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cl2 इज टेकन इन लेस अमाउंट देन मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? जब हम Cl2 ज़्यादा लेंगे तो सारे के सारे H डॉट रिप्लेस हो जाएंगे और आपको टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। और बेटा अगर आप CH4 यानी कि एल्केन को एक्सिस में लेंगे देन वी गेट द मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड। इसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स हों एल्केन में तो हमें कैसे डिसाइड करना होगा कि हम किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। तो उसमें मैंने आपको याद हो थोड़ा सा हम देख लें इसको, क्लोरीनेशन में मैंने आपको रेशियो बताया था 5:3.8 और ये 1, ये था 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड इट इज़ अ 1 डिग्री हाइड्रोजन। और ऐसे बेटा ब्रोमिनेशन का भी मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, 3 डिग्री का था 1682 और इसका कितना था 1, सॉरी यही था। तो और अपने बात की थी कि अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीनेशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन। क्या मैंने यही बताया था आपको? और फिर हमने बात की थी कि जो रिएक्टिविटी आप इनकी लिख रहे हो, ये जो रिएक्टिविटी है ये सेलेक्टिविटी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी, इसको भी मैं डिस्कस कर चुकी थी, बिकॉज मैंने बताया था कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी देख रहे हैं वो 5, 3.8 एंड 1, यानी बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू है। तो इसमें आपको रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है बट इसकी सेलेक्टिविटी क्या है, कम है, क्योंकि इसमें हम हमेशा 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। हमें ये लगा के देखना पड़ेगा कि कितने कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि आगे हमें परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट निकालना है कि प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू जितने डिग्री का हाइड्रोजन उसकी रिएक्टिविटी, और अगर परसेंटेज निकालना है तो अपॉन टोटल कितना इनटू 100। ये हम डिस्कस कर चुके थे, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को देखना, हम ये सब चीज डिस्कस कर चुके थे। अब बेटा आपने इसका जो स्लो स्टेप देखा था, स्लो स्टेप कौन सा था, हमने इसके स्लो स्टेप में बात की थी कि जो हमने एल्केन लिया है उस एल्केन की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, जैसे मैंने R.Cl. लिया और आपने देखा था कि यहाँ से H.CHCl के साथ फॉर्म में बाहर निकल गया और CH3 रेडिकल बन गया। फिर अगर मान लो इस रिएक्शन का स्लो स्टेप, इस रिएक्शन का स्लो स्टेप चेन इनिशिएशन वाला होता, ये वाला अगर इसका स्लो स्टेप होता जिसमें Cl2 का बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, तो फिर क्या हेलोजन्स की रिएक्टिविटी यही रहती, बताओ? नहीं, क्यों नहीं रहती? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हेलोजन की, हेलोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, Cl2, Br2, F2 और I2, ये हेलोजन की क्या है, रिएक्टिविटी है, सॉरी बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी नहीं, इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये इजिली ब्रेक नहीं होगा, और इजिली ब्रेक नहीं होगा तो Cl डॉट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तब अगर ये रिएक्शन, अगर ये स्टेप चेन इनिशिएशन जो स्टेप है, अगर ये स्लो स्टेप होता तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी, बताओ रिएक्टिविटी क्या होती? तब रिएक्टिविटी क्या हो जाती, I2 ज़्यादा रिएक्टिव होता, उसके बाद F2, फिर Br2 और फिर Cl2, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आता, क्योंकि I2 का बॉन्ड पहले टूट जाता अगर हम बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखें। लेकिन ये वाला स्लो स्टेप नहीं है, इसमें स्लो स्टेप ऊपर वाला है,
ये वाला जिसमें एच डॉट सी एल डॉट कम्बाइन हो रहा है और सी एस थ्री डॉट फॉर्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से जब रिएक्टिविटी हमने बताई थी, ये मैंने आपसे क्लियर किया था। ये सब हम ज़्यादा जो डिटेल में डिस्कस किया था, वैसे भी मैंने अब कम्प्लीट डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने हाइड्रोकार्बन में इसके बहुत ही क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करते हैं एक बार, जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, तो देखें, और जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए ये क्वेश्चंस नए होंगे, ठीक है। फिर भी मैंने आपको सिखाया कि हमें हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी चेक करनी है और देखना है कि कैसे हमें मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच हमें अप्लाई करनी है। हमें हाइड्रोजन को Cl यानी हेलोजन से क्या करना है, रिप्लेस करना है, और उस रिप्लेस करने का तरीका है कि हमें रिएक्टिविटी चेक करनी होगी कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें आप ब्रोमिनेशन में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्लोरिनेशन में आपको परसेंटेज यूनिट डिसाइड करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें इन रिएक्शन से प्रोडक्ट डिसाइड करना है। स्टार्ट करने से CH3 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 और मैंने ये लिख दिया इसका क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। चलो बनाओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन, देखो ये 9 हाइड्रोजन 3 3 6 एंड 3, इनका नेचर एक जैसा है, ये एक टाइप के हाइड्रोजन है, इसका नेचर डिफरेंट है। अब हमको क्या लग रहा है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो इसमें डॉट आएगा और ये डॉट ज़्यादा स्टेबल हो। पर हमको क्या पता है कि जो क्लोरीनेशन है इसमें तो हम सेलेक्टिविटी से कम होती है, तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालते बताओ, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या? एक तो आपने यहाँ से एच हटाया और यहाँ सी एल। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई, एल्केन का हेलोजिनेशन जब हम करते हैं तो एच को ही तो हटाते हैं, उसकी जगह जो हेलोजन आइटम है उसको ऐड करते हैं। तो हमको तो ये भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन्स भी दिख रहे हैं, तो ये तो सारे एक जैसे हैं। इधर से हटा के सी एल लगा दो, इधर से एच हटा के सी एल लगा दो, इधर से एच हटा के सी एल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बोला है। और 20 से हटाओगे तो अलग, तो एक प्रोडक्ट तो ये बना। और बेटा जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो दूसरा प्रोडक्ट ये, यानी यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ए एंड बी। अब हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? तो मुझे बताओ, अगर हमें प्रोडक्ट ए की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ए की क्या पॉसिबिलिटीज है? आपको बताया था मैंने कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंड्यूस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है, यही था। तो देखो, अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितने हैं, 9 है नंबर में, तो 9 हाइड्रोजन से 1 डिग्री N2, और 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है, 1, तो 9 आ गया। बोलो ऐसे बेटा, प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट बी बनाया, सॉरी ये प्रोडक्ट बी हो गया, सॉरी, और प्रोडक्ट ए, भाई प्रोडक्ट बी है ना, बी में मैंने वो वाला एच हटाया तो ये वाले प्रोडक्ट बी के हो गए। अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें तो प्रोडक्ट ए में मैंने बी से एच हटाई 3 डिग्री वाली, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 है, तो ये तो हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी 1 डिग्री नहीं, सॉरी 3 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा, अरे ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है ना, तो नंबर में कितनी है ये, 1 ही है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी होती है बेटा, 5, अरे आपको रेशो बताया था ना, 5 3.8 1, 3 डिग्री एच 2 डिग्री एच 1 डिग्री एच, याद आया? तो 3 डिग्री एच का कितना है, 5 है, तो ये आ गया 5। बताओ कौन सा मेजर आएगा, किसका अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, 9 का 9 ज़्यादा है ना, तो प्रोडक्ट बी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका मेजर और ये प्रोडक्ट आपका माइनर। बोलो, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 थे, 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 होती है, तो 1 × 9 9, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 5, तो 5, और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, तो फिर इसका क्या ऑर्डर, फिर तो इसकी वैल्यू क्या है, 5, तो 9 मतलब इसमें ज़्यादा अमाउंट बनेगा, ये वाला अमाउंट कम होगा। परसेंटेज निकालना, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, तो परसेंटेज ऑफ ए 14, परसेंटेज ऑफ ए 14 में कितना है ये, 5 × 100, और परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो बी कितना है, 9/14 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसे बेटा आपको रिएक्शन में रिएक्टिविटी को डिसाइड करना होगा,
किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया, क्लोरीनेशन को हमें थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा फॉलो करना होता है, बिकॉज इसके लिए हमें पता ही है कि इनमें रिएक्टिविटी जो हाइड्रोजन की होती नियरेस्ट है, तो पता नहीं कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव बन जाए। बोलो कोई प्रॉब्लम है, किसी को अभी भी डाउट हो तो एक बार बता दीजिए। मैं चाहे एक बार और रिपीट कर देती हूँ, हमें यहाँ पे क्लोरीनेशन दिख रहा है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें बताया कि इट इज़ अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्योंकि आप देखेंगे ऑल आर कार्बन्स sp3 और एल्केन पे रिएक्शन हो रही है। एल्केन का एच हट रहा है, मतलब sp3 कार्बन को ढूंढ रहा है, ऑल कार्बन्स आर sp3, तो फिर हाइड्रोजन्स देखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन्स देख लीजिए, रिएक्टिविटी निकाल लीजिए, क्लियर है? ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तीनों 3 3 3 9 हो गए टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करें ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला और वही इसका क्लोरीनेशन करना है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बताओ इट इज अ नियोपेंटेन। अब मुझे ये बताओ इस नियोपेंटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं? आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? दिख रहा है? सभी बीच वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, सभी किससे कंबाइन है? ये मिड वाले कार्बन से। तो क्या सारे हाइड्रोजन एक जैसे नेचर के हो गए? यहाँ पे तो 100% एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। मैं इस एच डॉट को हटा के सीएल डॉट अटैच करूँ, इस एच डॉट को हटा के सीएल डॉट अटैच करूँ, इस एच डॉट को रिमूव करके सीएल डॉट अटैच करूँ, या फिर बेटा इस एच को डॉट को रिमूव करके सीएल डॉट अटैच करूँ, किसी को भी कर सकती हूँ। सभी से एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या 100% एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है क्या? ध्यान रखना, 100% यील्ड आ रही है इसकी, इट इज दी मेजर और माइनर, कुछ भी मानो यही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता, यहाँ मेजर माइनर रहेगा ही नहीं कोई, ठीक है? फिर देखते हैं आगे। और जिस हमने ब्यूटेन ले लिया और ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करना सनलाइट की प्रेजेंस में, अब आप बताओ कितने टाइप के हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन एक जैसे, ये हाइड्रोजन एक जैसे, भाई दोनों CH2 CH2 देख लो ना, प्लेन लग रहा है, दोनों एक जैसे ही होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ 6 हाइड्रोजन एक जैसे और 6 हाइड्रोजन जो है उनकी रिएक्टिविटी 1 है, तो कितना 6 आ गया। ये 4 हाइड्रोजन है, 4 × 3.8 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 3.8 होती है। जरा मल्टीप्लाई करो, 4 × 8 = 32, 32 3 कैरी हो गया, 4 × 3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। बोलो कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो 15.2 ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट तो इससे बनेगा, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन में से किस कौन से वाले प्रोडक्ट को मेजर बनाऊँ मैं? 2 डिग्री वाले को। यानी कि वॉट विल बी मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन? 2-chloro-butane इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। कहीं आपको बोले कि क्या 100% यही बनेगा? नो, बिकॉज देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, क्लियर है? इस तरीके से बेटा बहुत ही सिंपल है ये। एल्केन का हैलोजिनेशन कंडीशन पता होनी चाहिए बस, कि एरो पे हैलोजन लिखा और सनलाइट हो, एल्केन होना चाहिए, बहुत सारे हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, पर आपको रिएक्टिविटी पता है। जनरली अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बताऊं कि वैसे अगर हम नॉर्मल देखें तो बोलेंगे 3 डिग्री एच ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री एच कम रिएक्टिव है और 1 डिग्री एच की रिएक्टिविटी सबसे कम है। इससे ज़्यादा एलाइलिक वाले की हाइड्रोजन की होगी, एलाइलिक एच, और इससे ज़्यादा बेंजाइलिक वाले एच की होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है मैंने, क्या लिखा बेटा ये मैंने? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बहुत बार बोला था कि बेंजाइलिक को याद रखो, एलाइलिक को याद रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कौन सा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है एंड कौन सा एलाइलिक हाइड्रोजन है। देखो इधर, जैसे अपने पास ये साइक्लोहेक्सेन है और इस साइक्लोहेक्सेन में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया
और अब आपको बोला है कि बेटा इसका क्लोरीनेशन करो, आप सोच रहे होंगे कि डबल बॉन्ड पे अटैक कर जाएगा, नो, बिकॉज कंडीशन सनलाइट है और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आप sp3 को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ऑल आर sp3 कार्बन, बट किस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे? जब सारे हाइड्रोजन एक जैसे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो ना, बेंजाइलिक, इलाइलिक, 3 डिग्री, 2, फिर 1, यही ऑर्डर था। तो ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला, एक ही बात है, क्या ये एलाइलिक एच है क्या? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, याद आया? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर कार्बन पे जो एच होगा, sp3 कार्बन का एच, एलाइलिक ही बताया था। इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और बेटा इसको रिमूव करके Cl लगा दे, ये प्रोडक्ट बनने गया, सही है? आगे देखो, ये मैंने फॉर्म किया बेंजीन और बेटा इसके ऊपर लगा दिया CH3 और ये रिएक्शन जो हो रही है वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रही है, यानी ये भी क्लोरीनेशन है और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये बेंजीन के कार्बन sp2 है पर ये वाला sp3 है, क्या बेंजाइलिक वाले H की, इसको मैंने B से डिनोट कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये बेंजाइलिक होगा ना, रिंग से अटैच्ड कार्बन वाला हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl और HCl बाहर निकल गया, ये प्रोडक्ट हमारा बेंजाइल क्लोराइड। आगे मान लो, अगर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, तो ऑल हाइड्रोजन आर द रिप्लेस, जितने हाइड्रोजन वो सारे डिपेंड करेंगे कितने बार क्लोरीन लेवल, एक बार Cl2 एक मोल और बढ़ा दिया तो ये जो एक ऐसे ये भी रहते हैं। आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया बेंजल डाइहैलाइड और फिर आप इसका क्लोरीनेशन कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बेटा आपको मिल गया बेंजो ड्राइक्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल। फिर देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन, इसका क्लोरीनेशन करें सनलाइट की प्रेजेंस, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या यहाँ पे आपको sp3 कार्बन दिख रहा है? हाउ मैनी sp3 कार्बन आर देयर? 2। अगर 2 sp3 कार्बन है तो बताओ, ये वाला तो 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला 1 डिग्री है और ये वाला बेंजाइलिक है और बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो बेंजाइलिक एच को रिमूव कर दीजिए और बेंजाइलिक एच को रिमूव करके Cl, ये HCl बाहर आ गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। बहुत इजी है, स्टार्टिंग में मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट देख लो क्या है कि वास्तव में रियल में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। इस रिएक्शन में केवल एच को हटा के हेलोजन को अटैच करना है, हेलोजन हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे बट हमें पता है ना उनको कौन सी रिएक्टिविटी देखनी है। क्लोरीनेशन करते टाइम sp3 कार्बन अगर ज़्यादा है तो आप रिएक्टिविटी देखें, उसकी चेक करें, क्योंकि वहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन नियर अपनी वैल्यूज रखते हैं, 5, 3.8, ब्रोमिनेशन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके प्रोडक्ट तो निकाल लोगे आप, समझ गए? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन तो आपको समझ में आई क्या भाई? ब्रोमिनेशन में क्या है? बस CH4 और Br2 सनलाइट। अब इसका एच डॉट हट जाएगा Br, बिल्कुल सिंपल वैसा ही है, CH3Br प्लस HBr। कोई डाउट? देखिए इधर, Br2 सनलाइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो तीन हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, ये तीन वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन, इनका नेचर एक जैसा, भी हमने क्लोरीनेशन में डिस्कस किया था इसको, तो इसमें देखो ये अब इसमें ब्रोमिनेशन हो रहा है ना, तो ब्रोमिनेशन में जो रेशियो आया था वो क्या था? यही था, 3 डिग्री एच, 2 डिग्री एच और 1 डिग्री एच, क्या यही रेशियो था बेटा? यही ही रेशियो था, ठीक है। 3, 3, 6 और 3, 9, ये 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री है और 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है? 1।
तो कितना हो गया 1 × 9, ये तो 9 आ रहा है अगर इन हाइड्रोजन को हटाते हैं, और बीच वाला हाइड्रोजन 3 है, और देखो 3 की रिएक्टिविटी 1600 है, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन एक है और उसकी डिग्री कितनी है और उसका रिएक्टिविटी रेशो क्या है 1600, तो इसकी तो वैल्यू वैसे ही ज़्यादा हो रही है, तो इसमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत है, इसमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल दीजिए आप, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो फिर यहाँ ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होगा मेजर, यही होगा। क्लियर है बेटा? इसीलिए तो मैंने बोला था कि ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी तो कम है पर सेलेक्टिविटी ज्यादा है। बड़े आगे, अब बेटा एक आयोडीनेशन और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। आयोडीनेशन यही एल्केन I2 और बताओ क्या बनेगा CH3I और HI। जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो ये वाली रिएक्शन जो है ना ये रिवर्सिबल होती है, आपको पता होता है। वाई? बिकॉज जो HI है ना, HI वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या चाहता है कि मैं तो रिडक्शन करूंगा किसी का भी, मेरे कोई भी आए मेरे कॉन्टेक्ट में सब मैं रिडक्शन कर दूंगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी टेंडेंसी है रिडक्शन करने की, और रिडक्शन करने की टेंडेंसी मतलब ये किसी को हाइड्रोजन देना चाहता है, तो HI की बॉन्ड एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से हाइड्रोजन CH3 के पास चल गया एंड इट फॉर्म CH4 एंड I2। इट्स I2 के फॉर्म में HI क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी HI खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया और उसका इसने क्या कर दिया रिडक्शन। इसलिए तो उसने बोला मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट अगर करने वाला है ये रिडक्शन करने वाला है, इसने इसका रिडक्शन कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रॉपर यील्ड नहीं आ पाएगी प्रोडक्ट की, क्या करें, नहीं फॉलो करें रिएक्शन को, या कोई और रास्ता इसका प्रोडक्ट बनाने का। तो जब भी आप आयोडीनेशन करेंगे और आप चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड ही चले रिएक्शन, तो इस HI का काम तमाम करना पड़ेगा, मतलब इस HI को किसी और में बदलो, अगर HI रहेगा तब तो ये इसका रिडक्शन करेगा ही करेगा। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HIO4, HIO3, ये हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4, ये सब काम लेते हैं HCPO को, इससे हम इसको क्या कर देंगे, HI जो है HNO3 भी ले सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, मिल गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग के तलाश में था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के तलाश में था, दोनों को मिला दिया हमने, मिला दिया। तो फिर HI इससे कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये खोज कर रहा है मुझे किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये खोज कर रहा है मुझे किसी का रिडक्शन करना है, तो लो मिल जाओ दोनों, ये दोनों मिल गए। और देखो जब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करना जानता है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडेशन इसका जब करता है तो बेटा यहां से H हटेगी और I2 के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, H और O मिलके क्या बना लेंगे, H2O। बैलेंस कर दो, हो गई बैलेंस, देख लो आराम से। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हेन आयोडीनेशन ऑफ द एल्केन टेक्स प्लेस, जब हम आयोडीनेशन कर रहे हैं एल्केन का, HIO मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, व्हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों रिक्वायर्ड है, या फिर आयोडीनेशन ऑफ द एल्केन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट रिड्यूस द एल्काइल आयोडाइड एंड रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और when the strong oxidizing agent is used in this reaction, then it oxidizes to HI and reaction moves only in forward जाएगी या backward आएगी नहीं, अच्छी product की yield आ जाएगी। ये मैंने आपसे बहुत ही simple language में discuss किया, कोई भी doubt हो तो आप पूछ लेना। chlorination, bromination और iodination, bromination में कहीं भी कोई selectivity तो आपको easily हो जाएगी, मतलब आपको कोई multiply करके नहीं देखना, chlorination सिखाई दी आपको, और ये हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। अगर बेटा ये दिख नहीं रहा ना आपको
तो आप कहे तो मैं उसको ऊपर भी लिख सकती हूँ। देखो मैंने हमने यही तो बोला ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैंने क्या बोला इस रिएक्शन में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका क्या कर देगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। एच आई इसका क्या कर देगा, क्या कर देगा, एच आई रिडक्शन कर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन, तो ये आई टू बन गया और क्या बन गया, एच टू ओ। अब इसे बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस हो गई 5 3 और ये 3। नाउ इट इज बैलेंस, क्लियर है, ठीक है। तो ये बड़ी थी रिएक्शन फ्रॉम एल्गिन। देखो इतना पढ़ाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ये सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। हाइड्रोकार्बन में इतनी डिटेल्स मुझे नहीं देनी चाहिए थी, पर भी मैंने सोचा स्टार्टिंग के लेक्चर है तो हम उसमें स्टार्टिंग से ही पढ़ लें थोड़ा। इसलिए आप प्रीवियस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें अपने जीओसी वालों को, ठीक है। अब आगे जो रिएक्शन है वो है, हमने अभी तक बोलो एक ही रिएक्शन पढ़ी है, 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए मैंने इसमें। फ्रॉम एल्कीन एक लास्ट और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एल्कीन से हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो बेटा एल्कीन का हम कर रहे हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन HX। इस HX में X को आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे HF बना लिया आपने, आपने HCl बना लिया, HBr ले लिया आपने, HI ले लिया। भैया ये रिएक्ट कर रहा है और हेलोजन को ऐड कर रहा है किसमें, हम एल्कीन के अंदर, तो इनका बॉन्ड ऑब्वियसली ब्रेक होगा, है ना। बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक पहले होगा, जो बॉन्ड वीक होगा, जब वीक ओवरलैपिंग हो रही होगी वो बॉन्ड इजीली ब्रोकन डाउन, ठीक है। कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा बेटा, जिसमें ओवरलैपिंग वीक होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, यानी साइज जितना बढ़ता जाएगा बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। देखो एच तो कॉन्स्टेंट है सब में, एफ सी एल बी आर और आई और भी बड़ा हो गया, तो फिर बॉन्ड एनर्जी वीक हुई कि नहीं हुई, और जब बॉन्ड एनर्जी वीक होगी तो बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा एंड दी रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, इट इज़ अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी HI की ज़्यादा होगी बेटा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। जनरल रिएक्शन लिख के देखते हैं, मैंने एल्कीन लिया, सिंपलेस्ट एल्कीन आप 2 कार्बन की दे सकते हैं, ठीक है। और इस एल्कीन में आपने HX का एडिशन करवा दिया। अब आप HX का जब एडिशन कराओगे, H+ हो गया और X- चाहे बॉन्ड मत बनाओ तो आयनिक फॉर्म में दिखा दो। आपको पता है कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है ना ही 100% आयनिक होता है। HCl में H पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा। देखो यहाँ पे H+ इस कार्बन पे लगा दो किसी भी एक पे, और ये इस तरीके से Cl, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, कौन सा रिएक्शन देता है डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर माइनस ही तो आएगा, तो H+ तो जुड़ गया, फिर यहाँ प्लस आया उस पर बॉन्ड लग गया Cl-, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2Cl। कुछ और भी बनेगा क्या साथ में, नहीं। तो देखो आपने कितने रिएक्टेंट लिए थे, प्रोडक्ट बन गया ना, है मतलब साइड प्रोडक्ट बना कुछ नहीं। इसका मतलब इस रिएक्शन में जितने लोग थे वो तो पहले थे ही और 2 और जुड़ गए हैं, इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। और किस टाइप का एडिशन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी हमने GOC में पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन शो करते हैं, एल्काइन शो करते हैं, जो अनसेचुरेटेड बॉन्ड रखते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स, उनमें ये रिएक्शन होती है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप बोलोगी हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और अब HCl का एडिशन करवाना मुझे, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका। वैसे तो मैकेनिज्म इसकी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसमें पॉजिटिव मार्कोनिकॉफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देते हैं हम, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज, कि जो अटैक करने वाली स्पीशीज है उसका पॉजिटिव पार्ट
goes to that carbon of multiple bond, के उस कार्बन पर जाएगा where number of hydrogens are maximum, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा हैं, और नेगेटिव पार्ट goes to that कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड which contain less number of hydrogen, और इसका प्रोडक्ट बन गया CH3CHCl CH3। जब आपको ये सबसे ऑब्जेक्टिव की मैं बात बताऊँ, अगर आपको बोला जाए ना कि उसने मार्कोनी को ऑफ प्रोडक्ट बनाओ, लैंग्वेज में बोल दिया उसने कि व्हाट इज द मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो आप मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही उस बात को फॉलो करेंगे। मार्कोनी ऑफ ने जो रूल दिया था, मार्कोनी ऑफ का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि पॉजिटिव पार्ट अटैक करने वाली स्पीशीज का पॉजिटिव पार्ट मल्टीपल बॉन्ड के दैट उस कार्बन पे जाएगा वेयर इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम, एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट रियलिटी क्या है कि जब मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म लिखते हैं ना, या हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जब मैकेनिज्म लिखेंगे ना, तो आपको मैं बता दूँ जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट होगा, और आपको मैंने 11th में बताया था कि जब हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे कि कार्बोकेटाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जब ये जनरेट हो जाता है किसी रिएक्शन में, तो उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंज करें प्रोडक्ट, और रीअरेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, नॉट 100% प्रोडक्ट, मेजर बोलेंगे उसे, क्लियर। और अगर क्वेश्चन में बोला नहीं हमें तो मार्कोनी को प्रोडक्ट बना के ही दिखाओ, जैसे CH3CH CH3, और मैंने बोला बेटा HCl का एडिशन कर दीजिए, तो क्या यहाँ मार्कोनी को लगाएंगे? नो, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनी को मतलब ही नहीं है, इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, और मार्कोनी को रूल ऑलवेज फॉलो फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज गिवन, जब आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन होगी तब आपको ये चेक करना है कि जो स्पीशीज अटैक करने के लिए आ रही है उसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे, डबल बॉन्ड के दो कार्बन दिखेंगे आपको, उस कार्बन पर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, और नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। बट इट इज सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कहीं भी भेज दो, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब बेटा आगे जब हम देखेंगे, मान लो मार्कोनी को नहीं बोला, आपसे बोला कि इस रिएक्शन का हमें मेजर प्रोडक्ट बताइए, तो बात को सुने ढंग से, जब मेजर प्रोडक्ट बताने की बात आए, मेजर प्रोडक्ट बनाने की जब बात आए, और उसमें मार्कोनी को फर्स्ट नाम नहीं दिया हुआ, जब तक मार्कोनी को के बारे में नहीं बोला तो हम तो इंटरमीडिएट को रीअरेंज करेंगे। आपको मैं बताऊं, देखो शॉर्ट के अंदर मैकेनिज्म नहीं लिख रहे, अब हम इसकी हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक से काम कर रहे हैं, जैसे ये है, और मैंने बोला बेटा आप इसमें HCl का एडिशन कर दीजिए, कोई मार्कोनी ऑफ नहीं लगाना मुझे, केवल सिंपल ऐसे बोल दिया, तो आपका क्या पर्पज़ होगा? आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो फर्स्ट अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल पे एडिशन होगा, एडिशन तो होगा, कोई बाहर नहीं जाने वाला, ऐड करना आपको, पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना, देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, भाई डबल बॉन्ड है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही लगभग, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा ही रहेंगे। तो फिर बेटा इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल माइनस दिख रहा है, आप बताओ इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी? अरे सब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, पॉजिटिव कहाँ लगाऊँ मैं? इस कार्बन पे पॉजिटिव लगाऊँ कि इस पे? बीच वाले कार्बन पे जब आप पॉजिटिव लगाओगे तो बताओ ये कार्बन 3 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और अगर आप इधर प्लस और इधर माइनस लगाते तो फिर ये 1 डिग्री नहीं ना, इंटरमीडिएट कौन बन रहा है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है इलेक्ट्रोफाइल, ओ कार्बोकेटाइन। देखें इधर एक बार सुने, एक्चुअल में हुआ गया है ये जो HCl था ये टूटा, ये ब्रेक हो गया H प्लस और Cl माइनस में, अब एल्कीन प्रेजेंट है। आपको जब मैंने इफेक्ट्स पढ़ाए थे तो उसमें एक इफेक्ट पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट, अगर आपको याद हो तो, और बोला था इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट, हमेशा नहीं लगता ये, जब कोई आएगा तब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, यानी अटैकिंग स्पीशीज के आने पर ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज कौन आ गई? एच प्लस। तो जैसे ही एच प्लस यहाँ अटैक करने के लिए आएगा तो ये सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये इधर ही आएगा, तो ये इधर आएगा, तो इधर माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने आप इधर प्लस आएगा कि नहीं आएगा?
तो क्या बना दे रहा, CH3 CH3 प्लस CH3। बोलो क्या बेटा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कौन अटैक कर जाएगा? Cl-। पर उससे पहले हम चेक कर लें कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? जब किसी रिएक्शन में व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट देन पॉसिबल रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। मींस जब किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया तो पॉसिबल रीअरेंजमेंट देख लो अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट में है तब तो कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो क्या ये 3 डिग्री है? क्या ये 3 डिग्री है और ये मैक्सिमम स्टेबल है? इसमें कोई प्लस को थोड़ा लेके जाओगे, इधर ही रहेगा। ज़्यादा स्टेबल है, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो बेटा अब इस पर Cl- का एडिशन करवा दो, ये लो प्रोडक्ट बन गया। अब इतनी बड़ी नारायण लिखने से बढ़िया क्या आप जो डबल बॉन्ड से प्लस माइनस पहले लिख लो कि कैसे लगाएंगे प्लस माइनस, प्लस उधर की तरफ लगाएंगे जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन दिख रहा होगा, ठीक है? जैसे और एग्जांपल लेते, समझ गए ना ये वाला? एक एग्जांपल बस, फिर अपन आगे और देखेंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हम, देखो इधर इस पे HCl का एडिशन करवाना मुझे, ठीक है? अब मुझे बताओ आप पहले इस पे प्लस इसे माइनस, समझ में आ गया? इधर प्लस के लोग आप ये देख लो दे रहे हैं, इधर जाके पूरा ऐसा आएगा, इसे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ तो कौन जुड़ जाएगा, इस जगह तो कौन जुड़ेगा? प्लस वाला जुड़ गया, ये CH3 हो गया बेटा और डबल सिंगल में बदल गया और यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? कितने डिग्री कार्बोकेटाइन दिख रहा है? 2 डिग्री। आप बोलेंगे देखेंगे कि रीअरेंज तो नहीं हो रहा कहीं पे, हैं? तो ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन अगर ये इधर की तरफ चल जाए, जिसको आप बोलते हो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, बताया था 1-2, अरे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बताया था, कहता है पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड को शिफ्ट कर देता है, हाइड्राइड एच माइनस के फॉर्म में होता है, जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ के पॉजिटिव। अब इस पर कौन जुड़ जाएगा? Cl-। ये लो आपका प्रोडक्ट बन गया। और जब आप ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको इजीली प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा कि प्लस लगाया माइनस लगाया, प्लस इधर जाना चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री 3 होगी। आप इजीली मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे, इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। और ऐसा क्वेश्चन इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन, जैसे आप जेईई मेंस में देख लो या नीट में देख लो, आता ही आता है, प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लेना आप, रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जैसे किसी भी फॉर्म में मिले तो आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पता होना चाहिए, वो हमने GOC पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो बेटा ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ और फिर न्यूक्लियोफाइल, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल। क्लियर है? आगे हम और भी इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, भाई की कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, ओके? आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे।